हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशो कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसके लिए हम बनाएंगे आज ओट्स का चिला, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे ना, तो बस आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतना अमेजिंग बनता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में थोड़े से ओट्स लिए हैं। मैंने एक छोटा बाउल ओट्स लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। इसको सबसे पहले हमें सोक कर देना है। थोड़ा सा पानी डाल के रख दें इसको आप, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भीग जाएगा। तो पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको रखेंगे हम साइड में। आइए इसके लिए कुछ वेजीज कट कर लेते हैं। जो भी सब्जियां आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो, आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीन्स लिए हैं, तो बीन्स को हम यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चिला बहुत टेस्टी बनता है। तो हम यहाँ पर बीन्स को कट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने गाजर को अच्छे से धो लिया है, छील लिया है, इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। प्याज को कट कर लिया है, शिमला मिर्च को भी कट किया है और हरी मिर्ची भी, मैंने 2 हरी मिर्ची को भी कट कर लिया है। अब सारी सब्जियों को, हमारा ओट्स यहाँ पे भीग चुका है, सारी सब्जियों को ओट्स में ऐड कर देंगे। तो ये मॉर्निंग का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको बच्चों के लंच में दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो सारी सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच बेसन। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और हमारा जो चिला है ना, वो काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम कुछ स्पाइसेस, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा नमक मुझे और डालना पड़ा, नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 पिंच के करीब और थोड़ा सा ज़ीरा। बस सभी को अच्छे से फिक्स से आपको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैगी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो जब भी आप ओट्स की रेसिपी बनाएं ना, तो आप उसमें मैगी मसाला ज़रूर ऐड करें, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा पानी आपको डाल करके इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि वेजिटेबल्स में भी पानी होता है। इसलिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स को पहले मिक्स कर लिया था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें, वरना हमारा जो नाश्ता है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसका एक बढ़िया सा डो रेडी कर लिया है। आइए इसका चिला बनाते हैं। तो आप चाहें तो इसके छोटे छोटे चिले भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पैनकेक बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फुल पूरा मैं यहाँ पर बैटर को डालूँगी और इसका एक बड़ा चिला मैं बनाऊँगी। इसको हम कट करेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा डाला है बैटर को, उसके बाद मैं सारा बैटर इसमें डाल दूँगी और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से आपको फैलाना है। मोटा पतला जैसा भी साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फैला सकते हैं। मॉर्निंग के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है, जो कि हमें पूरे दिन के लिए बहुत ही हेल्दी रखता है और हमारा पेट काफ़ी लंबे समय तक भरा भी रहता है। अच्छे से मैंने यहाँ पे चिले को फैला दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको बटर से सेक रही हूँ। आप बटर या देसी घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आप डाइटिंग पे हैं तो भी आप, ये रेसिपी आपके लिए है। मैंने यहाँ थोड़े थोड़े बटर के पीसेस चारों तरफ डाल दिए हैं, ऊपर भी 2 पीस डाल दिया है। अच्छे से इसको हम पलट देंगे। ऊपर से सिक चुका है, पलट दिया है, ऊपर से फिर से थोड़ा सा बटर से हम इसको ग्रीस कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे बटर को। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें बटर को, इसको सेकने में। तो आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो बस हमारा ये चिला जो है वो बनके तैयार हो गया। देख रहे हैं आप, ऊपर से भी नीचे से भी अच्छे से ये पक चुका है। एक बार मैं इसको और पलट दूंगी, इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बस एक मिनट के लिए मैंने एक बार और नीचे से सेक लिया है। तो बस अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो हम इसको पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे 4 भागों में। इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। और इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ आप इसको सर्व करिए।
मैंने इसको अमरूद की चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। रेसिपी अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फॉलो करें हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपके लिए क्या क्या रेसिपी लेके आऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।